नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बीती रात आजाद नगर थाना क्षेत्र में गाड़ी टकराने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के घर जाकर उसके यहां तलवार और बंदूक लहराई गई और उसे मारने का प्रयास किया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर में रहने वाले आसिफ अमजद द्वारा वहीं के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति अनवर नामक युवक से गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष द्वारा बंदूक और तलवार लेकर सामने वाले के घर हथियार लेकर पहुंचे और उसे कई घंटों तक गाली गलौज और विवाद करते रहे, जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक पक्ष के हाथों में बंदूक और तलवार दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस द्वारा हथियार लहराने वाले व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। ये एक बाइक से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उस बात को लेकर वहाँ पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी। इसको लेकर जिस पक्ष के साथ मारपीट हुई थी उस पक्ष के कुछ युवकों द्वारा वीडियो सामने आया है कि उसमें वो तलवार लहराते हुए और चाकू लहराते हुए मारे गए। हालाँकि कोई झगड़ा हुआ नहीं है, अभी ये लोग फरार हैं। आज़ाद नगर पुलिस इनकी तफ्तीश कर रही है और इनको ढूंढने का प्रयास कर रही है, इनके ऊपर उचित विधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या रहा विवाद का कारण? सर, एक गाड़ी को लेकर था, बच्चा गाड़ी निकल रही थी तो कोई बच्चा टकरा गया था, तो उस बात को लेकर जो वाहन चालक था उसके साथ मारपीट हुई थी। तो जिस वाहन चालक के साथ मारपीट हुई थी वो वाहन चालक कुछ युवकों को लेकर वापस उनके घर पर मारने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ पर मिले नहीं, इसलिए वो झगड़ा आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन इस प्रकार का वीडियो सामने आया जिसमें वो हथियार लेकर घूम रहे हैं। इस पर थाना आज़ाद नगर के थाना प्रभारी को निर्देशित किया है आर्म्स एक्ट में और ज्यादा कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।